तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को 2023 बोर्ड एग्जाम, यदि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कि आप बोर्ड पेपर में झंडा गाड़ के आएंगे। कहने का अर्थ कि आप बोर्ड पेपर में 90% 100% लाएंगे। ठीक, तो वो टिप्स क्या है आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको टिप्स एकदम इजीली है, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप आसान तरीके से बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर करके आएंगे। तो ठीक, तो सबसे यहाँ देखिए बोर्ड एग्जाम का टिप्स 2023। आप हाई स्कूल हो या इंटर हो, चाहे जो भी छात्र हो, चाहे वह हाई स्कूल के हो चाहे इंटर के हो, तो उन दोनों छात्रों के लिए है कि आप आसान तरीके से बोर्ड पेपर में क्या करेंगे, झंडा गाड़ के आएंगे। सिर्फ इस टिप्स को जान लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला टिप्स हमारा क्या है कि आपको बचे अब कितने दिन है, 15 दिन। ठीक, शेष 15 दिन बचे हैं। ठीक, आपको 16 फरवरी का आपका पेपर है। ठीक, तो आपको शेष 15 दिन बचे हैं, तो उस 15 दिन में करना क्या है। सबसे पहला बात तो करना क्या है, आपके दिल में दिल की धड़कने जो है तेज होती जा रही हैं। ठीक, आपकी धड़कने बढ़ती जा रही हैं कि भाई मेरे एकदम पेपर सर पे आ गया है, अब मैं क्या करूं। अभी तक तो बहुत कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। तो भाई आपके पास बहुत कुछ बचा है, आप चाहेंगे तो इसी 15 दिन में इतना कुछ तैयार कर सकते हैं कि आप आसान तरीके से बोर्ड में पास हो जाएंगे। तो ठीक, पहला टिप्स आपको करना क्या है कि आपके अति लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी प्रश्न, उत्तरी प्रश्न है। ठीक, अति लघु उत्तरी प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, आपके एक चैप्टर से लेकर पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का कहें कि पूरे पाठ का, ठीक, पूरे पाठ का जो महत्वपूर्ण है, ठीक, जो महत्वपूर्ण है, ठीक, जिसको अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक, जिसको आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ उसी को करना क्या है, सुबह से लेकर शाम तक 2 से 3 बार उसे ही क्या करें, लिखें। क्या करें, लिखें। ज्यादा कुछ अब आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि लिखना है। मेरे भाई आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको लिखना है। अब दूसरी बात क्या आता है कि आपके हर 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 कहें तो हर बुक का, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या फिर रसायन विज्ञान हो या फिर गणित हो, ठीक, सब का क्या आया है, अनसॉल्व आया है। ठीक, ठीक, तो आप क्या करिए कि अनसॉल्व उठा लीजिए। मॉडल पेपर हमने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे मॉडल पेपर बताए हैं, हिंदी का भी बताया है और उसके बाद गणित का भी बताया है, विज्ञान का भी बताया है, हर चीज का आपको हमने बोर्ड क्या कहते हैं कि सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर बताया है और पेपर भी बताया है किस तरीके से आता है। तो ठीक, आपको क्या करना है कि जितने भी, चाहे वो 2019 के पेपर हो गए, 20 के पेपर हो गए या फिर 21 के पेपर हो गए या 22 के पेपर हो गए, ठीक, तो हमने उन सब पेपर को वीडियो में बताया है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि उन सभी पेपरों को पूरा पूरा एक बार हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हल करना है भाई, क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको बोर्ड पेपर से पहले ही, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है ठीक बोर्ड पेपर में, लेकिन आपको उसी पेपर को घर पर पहले सॉल्व करने के लिए आपको इतने कम समय में सॉल्व करिए कि आपको बोर्ड पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का जो समय होता है उसको बहुत कम आप समझ लीजिए कि छोटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो सके कि आपको ऐसा लगे कि यार 3 घंटा 15 मिनट बहुत ज्यादा है। ठीक, आप इस पूरे पेपर को इतना ज्यादा हल कर दीजिए कि आपको वो समय क्या लगे, कम लगे। ठीक, तो आपकी तीसरी बात क्या है कि बोर्ड पेपर में ट्रिक लगाना है। ठीक, कुछ नहीं आता है तो ट्रिक लगाना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक, आपको प्रश्नोत्तर नंबर
बोर्ड में एग्जाम एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ठीक, तो सिर्फ वो क्या देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर डाला है लड़का, प्रश्नोत्तर नंबर एक का। अब यहां से आपको लिखना, इसी प्रकार से हेडलाइन बनाना है आराम से ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर एक का आसान तरीके से लिखना शुरू कर दीजिएगा पहले ही पेज से ठीक। आपको सीरियल बाई नहीं आता है तो ऐसे कीजिएगा कि क्वेश्चन और आंसर समझ में आए कि हाँ इसने क्वेश्चन लिखा है या आंसर लिखा है ठीक। वह काली नीली पेन का प्रयोग जरूर कीजिएगा ठीक, ताकि आपको आसान तरीके से एकदम एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ यह बोर्ड में पूरा किया हुआ। आपको अगर नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन दिया है कुछ और ठीक, आपको नहीं समझ में आता है, तो करना क्या है आपको कि उसी के अनुसार भाई, आपको उसी के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार जो समझ में आता है वही आप लिख दीजिए ठीक। आपको कोई नंबर वहां पूरे तरीके से पढ़कर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ इतना मिलता है कि आपको देखते हैं कि आपने किया क्या है ठीक। तो करना किया क्या है, बस वही पे आंसर, वही पे आपको नंबर मिल जाता है। बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक। अब आपको बात आती है चौथा नंबर, चौथी बात यह है कि आपने अभी तक जितने भी किताब से जितने भी पढ़ा है ठीक, तो अब उनको बार बार लिखे। और चौथी बात कि आपको विशेष तौर पर सफाई पर विशेष ध्यान देना है। किस पर? सफाई पर। आप जितना भी लिखिए ठीक, सफाई पर विशेष ध्यान देना है भाई, विशेष ठीक, विशेष ध्यान देना है। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सफाई पर विशेष ध्यान देना है। चाहे आप एक ही पेज, दो ही पेज लिखिएगा, लेकिन जो रेगुलर लिख रहे हैं उन पर भी आप ज्यादा काट पीट यहाँ घर पर भी ना करिए, और उसके बाद बोर्ड पेपर में तो कतई ना काट पीट करिएगा। चाहे आप गलत ही शब्द क्यों ना लिख दिए हों, लेकिन उस शब्द को काटिएगा नहीं। बात आप एकदम भेजे में घुसेर लीजिए मेरे दोस्त, कि आपको काटना पीटना नहीं है। बात आपको क्लियर हो गई होगी ना कि आपको क्या करना है, काटना पीटना नहीं है। जितना आप लिख देते हैं वही आपके लिए सही है ठीक। तो अब आपको आज से ही 15 दिन बचे हैं, दिन बचे हैं, तो आप एक समय सारणी बना लीजिए ठीक, समय सारणी बना लीजिए उसी के अनुसार कि समय सारणी बनाएंगे ठीक। इतने एक घंटे हमें क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है ठीक, गणित पढ़ना है, एक घंटे विज्ञान पढ़ना है, एक घंटे हिंदी पढ़ना है ठीक। इसी प्रकार से आप समय सारणी बनाए रहेंगे तो आपको आसान तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा, और आसान तरीके से आप बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर कर सकते हैं, और आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आप आसान तरीके से पास हो जाएंगे ठीक। तो आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको टिप्स अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दीजिएगा ठीक, क्योंकि आप परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।